टाइमिंग और डेट्स का किसी दूसरे एग्जाम की डेट से क्लैश होना अक्सर देखा जाता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी एक एग्जाम की डेट दूसरे किसी खास एग्जाम से क्लैश ना हो, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि दो अलग अलग परीक्षाओं का दिन और वक्त एक ही हो जाता है, लिहाजा किसी एक संस्थान को परीक्षा की तारीख बदलनी पड़ती है, जिससे दोनों परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को नुकसान ना हो। ऐसा ही ICAI के साथ हुआ। दरअसल द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 2 और 4 जून को होने वाली CA की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। एग्जाम की डेट्स बदलने के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये कि उसी दिन परीक्षा केंद्रों पर संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की परीक्षा भी होनी है। ICAI ने ये जानकारी देते हुए कहा कि 4 जून को होने वाली परीक्षा 13 जून को होगी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब CA की परीक्षा की तारीख बदली गई हो। इससे पहले परीक्षा का आयोजन 2 जून को होना था, लेकिन बाद में कई परीक्षा केंद्रों द्वारा असमर्थता जताए जाने के बाद 2 जून को होने वाली परीक्षा को 4 जून को कर दिया गया, लेकिन अब UPSC एग्जाम के चलते इस तारीख को 13 जून कर दिया गया है।